भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को जाने लगे। भक्तों ने कहा प्रभु चले जाओगे हम कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम भागवत जी में समा रहे हैं, जहां जहां भागवत होंगी हम वहां वहां प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भागवत जब सुनते हो ना आप लोग, तो भगवान का प्रत्येक ज्ञान आपके चित्त में उतर जाता है और ज्ञान के रूप में भगवान ही हृदय में उतर जाते हैं। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। क्या लग रहा है आप लोगों को, भागवत सुनना चाहिए कि नहीं? यदि हर बच्चा सुनने लग जाए तो बिगड़ने की उम्मीद पूरी, रास्ते बंद हो जाएंगे, बिगड़ने वाले सुनते ही नहीं बच्चे। भागवत सुनेंगे तो भला करेंगे, परोपकार करेंगे, अच्छे काम में मन लगेगा, सेवा में मन लगेगा। सुनते ही नहीं तो कहाँ मन लग रहा, शराब में मन लग रहा है, जुआ में मन लग रहा है, पराई औरत पराई पुरुष में मन लग रहा है। कथा सुनेंगे तो अच्छी जगह लगेगा। ये दास अनिरुद्ध आपको केवल कहकर नहीं बताता, करके बताता है कि आपको समाज की किस तरह सेवा करनी चाहिए। समाज की सेवा करनी चाहिए, हम केवल कहते नहीं है, जितना बन पड़ा गौरी गोपाल भगवान करा रहे हैं उतना करके आपको बता रहे हैं कैसे करना चाहिए। आज गौरी गोपाल आश्रम पूरी दुनिया की, गौरी गोपाल रसोई, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पांचवा अन्न क्षेत्र है। कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन, ऐसा हजारों साधु संत आते भोजन करते। अभी अमेरिका के कुछ लोग आए और वो सर्वे करते हैं पूरे देश में कि सबसे बेहतर काम कौन कर रहा है। तो उन्होंने सर्वे किया पूरे भारत का, जिसमें उन्होंने गौरी गोपाल को चुना, मुझे दिल्ली में बुलाया और यहाँ की सेवाओं के लिए पीएचडी की उपाधि दी। मतलब पूरे भारत में सबसे अच्छा काम अमेरिका की सर्वे टीम ने गौरी गोपाल के काम को पाया कि जो यहाँ पर हो रहा है वो सराहनीय है।